आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लम। क्रिकेट लाइव 365 के तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर हम कहते हैं जी वेलकम खुश आमदीद। आज के दिन का सेकंड मैच घड़ी मदनी 11 बमुकाबला अटक 11। असद बावा है बॉलर, अच्छा बॉल यहाँ पे असद बावा का, अंपायर की जानिब जरूर देखा था बल्लेबाज ने लेकिन अंपायर ने कहा कि ये लीगल बॉल है। तो आज का ये क्वार्टर फाइनल मैच है जी, क्वार्टर फाइनल मैच है इस वक्त घड़ी मतनी बमुकाबला हाफिज 11 अटैक। असद बावा हैं बॉलर, सामने करेंगे उनका समी फ्रॉम पिशावर, अच्छा बॉल था असद बावा का, समी इसके एंड को टाइम नहीं कर सके, सिंगल ही मिलेगा। इस एक रन के इजाफे का स्कोर बढ़ता हुआ 3, पहले ओवर का खेल जारी है। अब्दुलरहमान भाई ने ज्वाइन करी, वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अब्दुलरहमान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, स्पॉन्सर की दुनिया का एक बड़ा नाम, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, वेलकम करते हैं जी आपको। एक मरतबा फिर असद बावा, डाउन द लेग वाइड बॉल होगा, अंपायर्स कॉल, यस इट इज अंपायर्स कॉल, वाइड बॉल, 4 हो चुका है स्कोर बढ़ता हुआ, पहले ओवर का खेल यहाँ पे जारी है। बड़े स्टॉक लगाने होंगे क्योंकि अटक की टीम के पास सुलेमान सल्लू, पिछले मैच के हीरो ममरेज, अपना सुलेमान सल्लू ने पिछले मैच में माजिद गोली के 2 ओवरों में 40 रन प्लस बनाए हैं। सो इन फॉर्म बल्लेबाज है सुलेमान सल्लू और क्वार्टर फाइनल इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा स्टॉक लेकिन डीप पे कोडा है फील्डर नवीद कोडा, 1 रन का इजाफा, 5 रन आए पहले ओवर में, बहुत आला ओवर यार। असद बावा तेरे क्या कहने यार, असद बावा तेरे क्या कहने, हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे मलिक बाबर खान, वेलकम करते हैं जी आपको। बाबर क्या हाल है? ठीक है, खैर खरीत से हैं। और रफीक खान साहब ने ज्वाइन किया जी, वेलकम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको पता चले कि इमरान खान नहीं खेल रहे हैं जी, थोड़ा सा वो इंजरी का शिकार है जिसकी वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आज नहीं खेल रहे हैं। दूसरा ओवर करने के लिए आए अवेस फ्रॉम अटक और सामने करेंगे उनका एहतशाम, एहतशाम और समी पिशावर इस वक्त खेल रहे हैं घड़ी मतनी की ओपनिंग प्लेयर की जानिब से, सामने करेंगे अवेस का एहतशाम। और डाउन द लेग बॉल, अंपायर कॉल, लेक बाई एक और डॉट बॉल आ गया यहाँ पे। जो टीम यहां से जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला दोनों सेमीफाइनल मैच और मेगा फाइनल मैच आज के दिन ही खेला जाएगा। खुरखैल क्रिकेट ग्राउंड से बड़ा रास्ता भी ये मैच देख रहे हैं। अगला बॉल इस मरतबा आहिस्ता से खेला इस गेंद को, शेरी अटक है वहां पर फील्डर, एक रन का इजाफा, 5 हो चुका है स्कोर बढ़ता हुआ। ममरेज शेबी एक मरतबा फिर आ चुके हमारे साथ लाइव, वेलकम करते हैं जी आपको। नहीं क्वार्टर फाइनल है शेबी, क्वार्टर फाइनल है। हाफिज 11 अटक बा मुकाबला घड़ी मतनी, सुलेमान सल्लू मुकाबला है समी पिशावर के साथ। समी पिशावर सामने करेंगे वेस का शॉट, लेकिन फिर डीप में कोडा मौजूद है, बहुत आला फील्डिंग कर रहे हैं नवीद कोडा फ्रॉम जंड, 4 रन सेव किए अपनी टीम के लिए, 8 हो चुका है स्कोर बढ़ता हुआ, सॉरी 7। एक और था फिर अवेस, डाउन द लेग वाइड बॉल, अंपायर कॉल, और मोहम्मद असन हमारे साथ लाइव आ चुके हैं जी, वेलकम करते हैं जी। तले ग्राउंड अटक में, तले ग्राउंड वेस्ट में फाइनल 30 तारीख को होगा जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का। 5 ओवर की गेम है, दूसरे की इस वक्त गेम जारी है। अवेस टू एहतशाम, शॉट लगाया लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है, सिंगल ही बनेगा, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग अटक की टीम की। अब्दुलरहमान भाई कंफर्म नहीं है, इमरान मिन्ना ग्राउंड में मौजूद हैं, मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनकी तबीयत दरियाफ्त की है तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बेहतर हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी टीम मेड है, वो यही कह रहे हैं कि अगर आप फुल फिट हैं तो फिर खेलें, अगर फिट नहीं है तो आप थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि 30 तारीख को बड़ा फाइनल आपने खेलना है। अच्छा बॉल अवेस का, बहुत आला बॉलिंग अवेस की, वेलकम जी वेलकम। लास्ट बॉल
बहुत शुक्रिया जी शहजादा बहादुर खान साहब। इस मैच के बाद ब्रेक होगी जी, नमाज का और खाने का ब्रेक इस मैच के बाद होगा और उसके बाद फिर दो सेमीफाइनल है और फिर फाइनल है। तो इंशाल्लाह ताला एक घंटे का ब्रेक होगा इस मैच के फौरन बाद, तो नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, खाना भी खाएंगे जी। जजाकअल्लाह जी। अगला बॉल वाइट होगा, अंपायर कॉल, वाइट बॉल, अंपायर का सिग्नल आ गया जी। वेलकम जी, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का, एक एक मरतबा आपने वीडियो को शेयर करना है जी। 11 हो चुका है, स्कोर बढ़ता हुआ जी। दूसरे ओवर का खेल जारी है, क्वार्टर फाइनल मैच, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें शामिल हैं जी, खुरखैल फ्लिकर्स बी की टीम, जलालिया की टीम, मलिक स्पोर्ट्स और एक टीम यहां से। उठा आगे खेल दिया इस मरतबा, 4 रन के लिए एहतिशाम के बल्ले से आया पहला चौका, 15 रन आ गए दो ओवरों में 15, लेकिन इस विकेट को देखते हुए रन अभी कम है। रियाज खान साहब आज मसल लाइव आ चुके हैं जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जितने व्यूवर्स हमें अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त देख रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल खान, बॉबी खुरखैल और इनकी पूरी टीम, बहुत जबरदस्त इवेंट का इनेकाद, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद आदिल फ्रॉम अटक। वेलकम करते हैं आदिल भाई आपको, और आदिल भाई इस वक्त आपने अटक की टीम बहुत तगड़ी भेजी है इस टूर्नामेंट में। सुलेमान सल्लू, असद बावा, अवैस शेरी अटक, नवीद कोडा, आती अटक, बेहतरीन यहां पर आपने टीम भेजी, और पहला मैच उन्होंने तगड़ी साइड माजिद गोली की टीम को हराया है। नवाब खान, माजिद गोली, मकसूद गिलगित्ती, बॉबी खुरखैल, साजिद खुरखैल इस टीम को शिकस्त दी है पिछले मैच में। यहां पर अजाने जोहर शुरू हो चुकी है जी, तो इसलिए कमेंट्री हम बंद करेंगे, कमेंट्री रोकेंगे, अजाने जोहर के बाद कमेंट्री शुरू होगी। तो वेलकम करते हैं जी अपने तमाम ही व्यूअर्स को हम अजान जोहर के वक्फे के बाद। इस मैच के बाद इंशाल्लाह ताला नमाज जोहर के लिए वक्फा होगा, खाने का भी वक्फा होगा, उसके बाद फिर दो सेमीफाइनल मैच शुरू होंगे, फिर मेगा फाइनल मैच इंशाल्लाह ताला। आज ही के दिन तमाम टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होगा। आतिफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अच्छा बॉल यहाँ पे फ्लिक किया समी ने, 2 रन का इजाफा, 17 हो गया स्कोर बढ़ता हुआ। ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है हाफिज 11 अटक। अगला बॉल उठा के खेला लेकिन 2 ही रन मिलेंगे यहाँ पे, तो 2 से बात नहीं बनेगी समी पठान, आपने छक्के लगाने होंगे यहाँ पे, छक्कों की जरूरत है। छक्के लगेंगे जी तब बात बनेगी, सिंगल डबल से बात बनने वाली नहीं है। इस मरतबा बल्ले के साथ लगा बॉल और ये आया पहला छक्का समी पठान के बल्ले से, वेल डन समी पठान फ्रॉम पिशावर, बड़े स्ट्रोक दरकार यहां पे। बड़े स्ट्रोक दरकार है, एक मरतबा फिर आतिफ, इस मरतबा भी टाइम नहीं कर सके, डीप में फील्डर मौजूद है। ओ माय गॉड, एक आसान सिंगल के लिए निकले थे लेकिन 4 बना दिए यहां पे, मिस फील्डिंग की मुकम्मल तौर पे। ये कौन है फील्डर जी, एक होता फिर आती,
ये बड़ा बॉल आती का, बहुत आला यार, एक्सलेंट यार, एक्सलेंट, शानदार। वेलकम जी, वेलकम। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया, कीप शेयरिंग द वीडियो। एक और अमदा स्टॉक, इस मरतबा बल्ले के साथ बॉल टकराया और 6 रन के लिए गया जी बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा छक्का समीर पठान के बल्ले से आया लेकिन इन ऑफ नहीं है, छक्के ज्यादा आने चाहिए। 36 हो गया स्कोर बढ़ता हुआ, 36 दो तीन ओवरों में, 36 दो ओवर मजीद बाकी हैं, अभी रन कम है क्योंकि पिछले मैच में 87 चेस किए थे अटक की टीम ने 4.2 ओवर में। फैसल जमील भाई बहुत शुक्रिया आपका जी, वेलकम करते हैं आपको, कीप शेयरिंग द वीडियो। एक एक मरतबा आपने वीडियो को शेयर करना है जी, तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है आपने एक एक मरतबा वीडियो को शेयर करना है। इस मैच के बाद नमाज जोहर और खाने का वक्फा होगा, तकरीबन एक घंटे का ब्रेक होगा और फिर उसके बाद दो सेमीफाइनल और मेगा फाइनल मैच आज के दिन ही खेला जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का जी, एक एक मरतबा आपने वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कीप शेयरिंग वीडियो। असद बाबा सामने करेंगे शाम, शॉट, फील्डर मौजूद, सिंगल ही होगा। 37 पे पहुंच गया स्कोर का मजमू, 37। सोना यार हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, वेलकम करते हैं आपको। एक प्रताप फिर डाउन द लेग वाइड बॉल, 38 38 हो गया जी स्कोर बढ़ता हुआ। एक मरता फिर असद बावा, ये बड़ा बॉल कर गया असद बावा, स्लॉर ऑफ द पैस, स्लॉर ऑफ द पैस असद बावा का, डॉट बॉल आ गया जी, स्कोर स्टिल 38। एक और डॉट बॉल, टॉप एच लिया लेकिन मिलेंगे यहां पे दो रन्स। एक और उमदा स्टॉक, इस मरतबा समी पठान के बल्ले से आई है खूबसूरत छक्का, ये छक्का आ गया जी समी पठान के बल्ले से। टॉप एच चले, समी हो गया यहां पे आउट, विकेट मिल गया, ओवर भी कंप्लीट हो चुके हैं जी 4, 46 जी, 4 में 46। शेरी आए हैं जी लास्ट ओवर करने के लिए और सामना करेंगे उनका एहतिशाम। फुल टॉस बॉल, अंपायर यार देखा था बल्लेबाज ने, लेकिन सिंगल लेंगे यहां पे। फोर्टी सेवन अली आए हैं अब खेलने के लिए।
46 शॉट अली की जानिब से और चार रन के लिए, गैप में बॉल है, 50 मुकम्मल हुए यहां पर, लास्ट ओवर है जी। शेरी वंस अगेन, सीधे बल्ले के साथ, ओ माय गॉड, चार मिल गए यहां पे। फाइनल भी आज है इंशाल्लाह, फाइनल भी आज है। बहुत आला बॉलिंग यार, एक्सलेंट। मतलब एज लिया, सिंगल ही बनेगा। अट्ठावन रन का टारगेट जी, ओनली 58। ओनली 58 जी। का टारगेट ये 58 का, मुश्किल नहीं होना चाहिए। जेटी टैप बॉल, अफजाल भाई को हम वेलकम करते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। ये आपको पता चले कि मैच जो है ये क्वार्टर फाइनल इस वक्त जारी है और अटक की टीम का मुकाबला है वैसा गड़ी मतनी की टीम के साथ। तो गड़ी मतनी ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 57 रन बनाए हैं, 5 ओवर में 58 का है टारगेट। और सुलेमान सल्लू आई थिंक जिस तरह आप खेल रहे हैं तो ये उनके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सुलेमान सल्लू इस 58 को चेज करके अपनी टीम को आगे इस तरह लेके जाते हैं। फाइनल भी आज ही होगा जी इंशाल्लाह। चौधरी जुमरत ने हमें ज्वाइन किया जी, वेलकम करते हैं चौधरी जुमरत आपको। नहीं शाबाश दुबे ना, नहीं मलिक सपोर्ट ना, हाँ आते ना दुबे मिले सुने वाकाउर ये उन क्वार्टर फाइनल नहीं लग गया। जी
बहुत शुक्रिया जी अब्दुलरहमान भाई आपका, थैंक्स लॉट जी। फैसल लाला हैट्रिक पे 5 रन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स लॉट। अच्छा ठीक हो गया अब्दुलरहमान भाई, ठीक हो गया जी, थैंक्स लॉट। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं राफेल क्रिकेट ग्राउंड में तमाम दोस्तों को। दूसरा ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर सेवन T20 2023 आज जारी है, जिसके लगभग 9 से जारी था। लगातार की 32 टीमों ने नामवर खिलाड़ियों आज इस टूर्नामेंट का लास्ट डे है। अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सेकंड इनिंग्स का आगाज होने वाला है। आती अटक और सुलेमान सल्लू आ चुके बैटिंग करने के लिए। एक बार फिर करीब पर सुलेमान सल्लू इस दफा सामना करेंगे, सुलेमान करेंगे ये सामना, सॉरी आती करेंगे। सलीम आए हैं बॉलिंग करने के लिए, सलीम आए हैं बॉलिंग करने के लिए, सामना करेंगे उनका आती लेफ्टी। 30 बॉलों पे चाहिए 58। उनका सामना करेंगे आतिफ लेफ्टी, 58 रन के तारे। एक बार फिर खलील खान, पहला बॉल वाइड बॉल, आई थिंक ये मैच भी मुझे लग से रहा है कि 3 एक ओवर में खत्म हो जाएगा, 5 ओवर तक मैच जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक स्कोर मिला अटैक हाफिज 11 को, 58 रन 58 रन का टारगेट दिया गया है। अली खान एक बार फिर आए और इस दफा लेफ्ट स्टंप पर खेलना चाहते थे, गेंद को खेल नहीं सके। वेलकम जी, वेलकम अब्दुलरहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, ये बिल्कुल आपका पैगाम पहुंचा दिया जी, थैंक्स लॉट। पहले ओवर का खेल, एक रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर खेल जा रही है। सलीम खान, सलीम एक मरतबा फिर, सलीम खान एक बार फिर आए और वाइड बॉल, अंपायर का इशारा देना पड़ेगा वाइड बॉल, दूसरी वाइड बॉल इस ओवर में सलीम खान की जानिब से, दूसरी वाइड बॉल। और इस वाइड बॉल के साथ 2 स्कोर हो चुका है हाफिज 11 अटक का। पहले ओवर का खेल जारी है, सारी शॉट बहुत बड़ा छक्का, ये बॉल तो गई आउट ऑफ ग्राउंड, सबसे बड़ा छक्का आज के दिन का 115 मीटर। शानदार बल्लेबाजी, 6 रन के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया, बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन हो गए, नहीं 2 बॉलें हुई अभी तक। सलीम शॉट, एक और छक्का, आती के बल्ले से आया दूसरा छक्का, वेल प्लेड आती, दूसरा छक्का। 2 छक्कों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 14 हो चुका है, इसका बढ़ता हुआ। सलीम खान पहला ओवर करवा रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं आतिफ लेफ्टी, आतिफ 11 अटैक की तरफ से। एक बार फिर आए
ओह वाइड बॉल हो गया, 3 रन का इजाफा, 15 हो गए जी स्कोर बढ़ता हुआ। मलिक मैडम साहब को वेलकम करते जी हम खुराखैल क्रिकेट ग्राउंड से, खुराखैल क्रिकेट ग्राउंड तहसील अदरो जिला अटक। एक दिन का आज इसका फाइनल दिन है टूर्नामेंट का, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल आए के दिन हो गए जी। 15 रन बन चुके हैं इस वक्त मैच, मास्टर जी जारी है गड़ी मतनी की टीम का अटक की टीम के साथ। 3 बॉलों पे 15 रन आ चुके हैं, 58 का टारगेट मिला है अटक की टीम को मैच जीतने के लिए। सुलेमान अच्छा बॉल था इस मरतबा, लेकिन बाई का आ गया यहाँ पर रन। नवीद कोड़ा है जी मैच में, लास्ट बॉल हो गई ओवर का। उठा खेला यहाँ पे जी, हाँ आतिफ हो गए यहाँ पे आउट। सलीम खान ने विकेट ले ली, आतिफ लेफ्टी आउट होकर पवेलियन वापस। 15 स्कोर पहले ओवर में बन चुका है और 1 ओवर 15 रन एक खिलाड़ी आउट जी, 1 ओवर 15 रन एक खिलाड़ी आउट। वकास बसाल आ चुके हैं लाइव जी, लग करम ठीक ठाक आप सुना ठीक है वकास, क्या हाल है? ठीक है खैर खरीय से। अबू तलाल भाई गुड बॉलिंग, अच्छा जी अच्छी बॉलिंग होगी, चले 15 रन आए पहले ओवर में, मैं तो समझा स्कोर ज्यादा आएगा। नवीद कोडो आए हैं अब बैटिंग करने के लिए जॉनसन के तला के। नवीद आए हैं जी बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए। बॉलर कौन है जी? असद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नवीद आए हैं बॉलिंग बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे असद का, असद करेंगे जी उनका सामना, लेकिन सामना करेंगे उनका सलमान सल्लू। वाइट बॉल, अंपायर कॉल वाइट, असद आए हैं जी बॉलिंग करेंगे जी, सामना करेंगे ब्रांड ऑफ अटैक सलमान सल्लू। इस मरतबा नीचे रहा थोड़ा सा ये बॉल, 2 रन का इजाफा, 17 रन जी। और उनका सामना कर रहे हैं सलेमान सल्लू और उनका साथ दे रहे हैं नवीद। आज के दिन का दूसरा मैच नंबर 11 असद, देखो मतलब फिर शॉट फील्डर मौजूद है, मिस फील्डिंग हुई 4 रन के लिए। रन हो चुके हैं जी सुलेमान सल्लू। अच्छा स्टॉक एक और था फिर सुलेमान सल्लू का, लेकिन सिंगल ही मिलेगा वहां पर समी पठाने फील्डर। 22 हो गए जिसको बढ़ता हुआ, नवीद कोड़ा आप सामने करेंगे जिनके तलाक जान से है। असद सामना करेंगे नवीद कोड़ा, असद सामना करेंगे नवीद। अच्छा बॉल यहाँ पे असद का, बहुत आला
सिर्फ 58 रन बनाने हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी हो रही है, मैच तगड़ा होगा अगर बॉलिंग ऐसी रही तो। असद वंस अगेन, अच्छा स्टॉक नवीद का, 6 रन के लिए खूबसूरत छक्का नवीद कोडा, वेल डन, बहुत आला। 28 पे पहुंच गया स्कोर का मजमू जी। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। 58 रन का हदफ मिला है मैच जीतने के लिए। शॉट, व्हाट अ हिट बाय नवीद कोडा, अगेन अगेन एक और छक्का, 34 रन हो गए जी स्कोर बोर्ड पे। दो ओवरों में 34 रन जी, दो ओवरों में 34 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। 58 का टारगेट है, दो में 34, बहुत आला। सुलेमान सल्लू सामना करेंगे सलीम खान का, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाने के लिए और इनिंग्स का तीसरा ओवर कराने के लिए आए हैं। आज के मेहमान खुसूसी मलिक शाहिद ऐवान ऑफ मानसार से तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, और उनके साथ अपने गांव के आरिफ खान भी तशरीफ लाएंगे। अगले बॉल सुलेमान सल्लू, ब्रेड है 6 रन के लिए, शानदार छक्का, 40 हो गया स्कोर बढ़ता हुआ जी। आसान बनाती हुई अपने टीम के लिए मैच सुलेमान सल्लू, पिछला मैच भी वन मैन शो किया सुलेमान सल्लू ने। शॉट अगेन सुलेमान सल्लू, बहुत आला, वेल डन सुलेमान, बहुत आला। 46 हो गया स्कोर बढ़ता हुआ, दो स्टॉक चाहिए अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए सुलेमान सल्लू को। वेल डन सुलेमान, बहुत आला, 2 स्टॉक चाहिए, नहीं खेलना चाहते थे गेंद को लेग स्टंप बना कर खेलना चाहते थे, लेग की तरफ अपने आप को कर दिया, हाफ स्टंप को लेग बना दिया। सलीम एक बार फिर सुलेमान सल्लू को उठा खेला यहाँ पे, एक रन स्कोर मजीद इजाफा 47। उठा खेला यहाँ पे, नवीद यहाँ पे आउट हो गए, लेकिन मैच करीब पहुंच गया है जी। इसके बाद जैसे भी दो ओवर रहते हैं और तकरीबन 11 रन दरकार हैं जीत के लिए आसिफ इलेवन अटक को। सुलेमान सल्लू मौजूद हैं करीब पर ओपनिंग बल्लेबाज और नए आने वाले बैट्समैन हैं उनके साथ। शेरी आए हैं जी बैटिंग करने के लिए, काफी हॉट डे, शेरी आए नए बल्लेबाज, शेरी शेरी होने के बाद शेरी आएंगे। उठा खेला यहाँ पे, दो ओवरों में 11 रन चाहिए जी, कोई फील्डर नहीं था, एक रन लिया।